क्या कोई उम्मीदें हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम से आपको? अच्छा इंडिया से जीत जाएंगे, मालिक साहब के नहीं है। 92 भी जीत गए थे हम, इंडिया से जीत जाए हमारा वर्ल्ड कप काफी है। सिकंदर प्लीज एक्सप्लेन कर दें, अपने जज्बात का इजहार करें। टीम का एक महीने तक इनको बिल्कुल कुछ ना बोले, एक महीने के बाद कप उनके हाथ में होगा, तो मैं इससे कोई पोस्टमार्टम नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ये इंग्लैंड वालों की गलती है कि उन्होंने क्यों हमें जल्दी आउट किया। दूसरा मैच और मुसलसल हम हार गए, मुझे लगता है चार होते तो गॉड फॉरबिडन चारों ही हार जाते हैं, ऐसा लगता है हमारी फॉर्म। लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुआ था। मैच के बाद जो है हमने रोते हुए भी लोगों को देखा और बहुत ही गर्मी में देखा, और हमने कहा हमने उसका बदला लेना है, और हमने इस दफा बटलर को भी नहीं चलने देना जिसने पिछले मैच में हमारी अच्छी खासी धुलाई की थी, और इस बार तो हमारे फिनिशर्स ने हशर कर देना है टीम का, इंग्लैंड टीम का। मगर ये हो ना सका, और वो आता है ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। नहीं, लोग सही कह रहे हैं, अमेरिका की फिक्र करें, कनाडा की फिक्र करें, आयरलैंड और इंडिया की तो आपके बस की बात नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि इंडिया ने चार स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, तीन स्पेशलिस्ट ले जा रहा है, स्पेशलिस्ट और एक ले जा रहा है। फुल था, बाहर झंडे बिक रहे थे, ढोल बज रहे थे, पाकिस्तानी टीम बहुत जज्बाती थी, फैंस बहुत जज्बाती थे, लेकिन इंतहाई मायूसी की हालत में पाकिस्तानी टीम जो है, हम इस उम्मीद के साथ जा सकते हैं कि कम अज कम यूएसए से पाकिस्तान नहीं हारेगा, और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच आपको पता है हमेशा ही सख्त किस्म का होता है, मुख्तलिफ टाइम होता है, प्लेयर्स के लिए भी, शायद के लिए भी। मोइन का बेटा ये नोटो से ये साफ हो रहा है, हमें अपना पिछवाड़ा साफ कर, नोटो से हमारे मुल्क की तकदीरों को साफ करने वालों, हमें गंदगी के ढेरों में डालने वालों, रिलीज कीड़ो, तुम बचोगे नहीं, तुम नहीं बचोगे। अब मैं क्या कहूँ, आप लेकर गए हैं आजम खान को, आप आजम खान से उम्मीद कर रहे हैं कि वो दिन में 500 छक्के मारते हैं, अभी उनके 20 मैच हो गए, उनके 100 रन नहीं है। हेलो दोस्तों, इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद पूरी पाकिस्तान मीडिया में मातम मचा हुआ है, सभी सदमे में है और सभी ये सोच रहे हैं कि कल पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा, जैसा कि पाकिस्तान कोई युगांडा या नामीबिया, वहाँ कोई PNG टीम है, ये ऐसा सोच रहे थे कि, लेकिन कल जिस तरीके से इंग्लैंड इनको हराया, इनकी मानसिक संतुलन जो बिगड़ चुका है, और सबसे आगे है सिकंदर, भक्त सिकंदर क्या बोल रहा है, पगलेट की तरह खुद नहीं जान पाया, और लाइव टीवी में अपने आप को ये सिकंदर कह रहा है कि भाई अब तो इंग्लैंड ने हमको हरा दिया, अब भारत को क्या किया जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देखते हैं। क्या कोई उम्मीदें हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम से आपको? बहसियत पाकिस्तानी साहब, उम्मीदें तो होती हैं और दुआ भी होती है, सब कुछ भी है, लेकिन जारी बात है उम्मीदों और दुआओं से ज्यादा आपका स्किल है जिसने काम दिखाना है गेम के अंदर, तो आई विश ऑल ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट, बट हालात जरा इतने अच्छे नहीं है। नहीं जी नहीं, अगर हारना है तो घटिया तरीके से ना हारें, फिर कोई प्यार श्यार नहीं है, जान लड़ाएं, और बाकी 75 साल से पाकिस्तान उम्मीद पे चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप की क्या औकात है, वो भी बीच पे चलता है। अच्छा इंडिया से जीत जाएंगे, मालिक साहब के नहीं है। 92 भी जीत गए थे हम, इंडिया से जीत जाए हमारा वर्ल्ड कप काफी है, अगर जो हमारी टीम को हराए वो टीम को उठवा दें। क्या आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। अब तो ना डराए मत इस बात को, मतलब एक तो 10:30 मैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब रात आधी आपकी गुजर चुकी है, पता तो वैसे शुरू में थोड़ा सा फीलिंग सी आ गई थी, इतनी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, ठीक ही चल रहे थे शुरू में, तो फिर हम खजा के पत्तों की तरह झड़ते चले गए और बड़ा टोटल नहीं बना सके, और फिर आपने देख लिया कि किस तरह से हमारे बोलर्स विकेट भी नहीं ले सके। अच्छा जी, चौथे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी, और मेजबान टीम ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर दी है। टोटल इतनी पूरी टीम कितना टोटल स्कोर कर सकती पूरी टीम है? पूरी टीम खेली हमारी 157, पूरी टीम ने 157 दी है उनको, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने वर्ड्स का चुनाव बेहतर करूं। अच्छा हमारी बैटिंग, इंग्लिश ओपनर सॉल्ट और जोस बटलर ने जारेहाना, और वही मैच मुक गया था, जारेहाना अंक आगाज किया, नहीं नहीं अभी आगे चले, दोनों ने 7वें ओवर में स्कोर 82 रन तक पहुंचा दिया, और जब टोटल इतना कम हो तो फिर पीछे बचता क्या है। 16वें ओवर में हंसते खेलते लाडी डा करते हुए, लाडी डा हो रहा है ना, लाडी डा करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हदफ कर लिया हासिल, और कौमी टीम जो है ये आलमी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए माशाल्लाह ये तैयारी है हमारी। सिकंदर प्लीज एक्सप्लेन कर दें, अपने जज्बात का इजहार करें। सबसे पहले तो टीम का एक महीने तक इनको बिल्कुल कुछ ना बोले, एक महीने के बाद कप उनके हाथ में होगा, तो मैं इससे कोई पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ये इंग्लैंड वालों की गलती है कि उन्होंने क्यों हमें जल्दी आउट किया। सारा कसूर इंग्लैंड वालों का है, इतना अच्छा प्लेयर है हमारा बाबर, लड़कियां उसको मर्सिडीज की गाड़ियों की चाबियां दे रही हैं सिर्फ शादी इसीलिए कि वो रन ना कर सके, मतलब इतना खूबसूरत खेलता है वो, इतना जबरदस्त है। मुझे बताइए कि T20 में स्लिप रखना चाहिए था,
क्यों रखा उन्होंने स्लिप उसके लिए, और वहां पे वो कैच आउट हो गया। कि कहते ना कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी भी चाल भूल गया। बाबर तो मतलब इतना खूबसूरत खेलता है, अब लेकिन हमारे पास कोई है ही नहीं, किसको दिया? साइन को ट्राई किया, वो फेल हो गए। या मतलब 69 रन का आगाज, हमें तसल्ली थी थोड़ी सी कि कुछ तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन आगे नोबडी वर्क्ड। क्या हुआ फिर हमारे साथ, हम क्यों एक अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहे अक्सर औकात की तरह? इंग्लैंड की टीम ने हर शोबे में हमें आउट क्लास किया, कप्तानी में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। अब मैं क्या कहूँ, आप लेकर गए हैं आजम खान को, आप आजम खान से उम्मीद कर रहे हैं कि वो दिन में 500 छक्के मारते हैं, अब भी उनके 20 मैच हो गए, उनके 100 रन नहीं है। आजम खान की आप बात कर रहे हैं, वो आजम खान को सिलेक्ट किस बेस पे किया है? कि जी वो क्रेबियन में जाकर बड़ी जबरदस्त इनिंग खेलता है। तो भाई आपने अगर अपना क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नकवी साहब से बोलूंगा कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को सही करें। मैंने पहले दिन कहा था कि इंडिया ने 4 स्पिनर्स लेके जा रहा है, 3 स्पेशलिस्ट ले जा रहा है, स्पेशलिस्ट, और एक ले जा रहा है वो ऑलराउंडर। आप बता, दूसरा मैच और मुसलसल हम हार गए, मुझे लगता है चार होते तो गॉड फॉरबिडन चारों ही हार जाते हैं, ऐसा लगता है हमारी। लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुआ था। मैच के बाद जो है हमने रोते हुए भी लोगों को देखा, और बहुत ही गर्मी में देखा, और इमरान लगता है ऐसा है कि उनके गैरी क्रिस्टन अभी टीम के साथ आए हैं। इससे पहले वो आईपीएल में थे, आपको याद होगा, 10 दिन में मेरा ख्याल है टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना, जेनी आमहांगी करना प्लेयर्स के साथ इतना आसान नहीं होता, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बाबर आजम इतने अच्छे से अब कप्तान है, जो लगता है कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान बदला और कोच बदला, लेकिन कारकर्दगी वैसी की वैसी है। अगर यही करने की थी भाई, शाहीन आफरीदी को बनाया था, फिर उसको चेंज करने की भी क्या जरूरत है? तो फुल था, बाहर झंडे बिक रहे थे, ढोल बज रहे थे, पाकिस्तानी टीम बहुत जज्बाती थी, फैंस बहुत जज्बाती थे, लेकिन इंतहाई मायूसी की हालत में पाकिस्तानी टीम जो है। और फिर माइकल वॉन की एक बात जिस पर बहुत बुरा मनाया गया था, जिन्होंने कहा था कि बेहतर होता कि पाकिस्तान के साथ खेलने से कि उनके प्लेयर को प्रैक्टिस के लिए कल से वापस ही ना बुलाया जाता, उस वक्त बहुत बुरा लगा था, लेकिन लगता है उनकी बात में काफी वजन था। अब पाकिस्तान क्योंकि यूएसए के साथ खेलेगा, डेलिस में जाएगा, ड्रॉप एंड पिचेस हैं, हम इस उम्मीद के साथ जा सकते हैं कि कम से कम यूएसए से पाकिस्तान नहीं हारेगा। और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच आपको पता है हमेशा ही सख्त किस्म का होता है, मुख्तलिफ टैंप होता है प्लेयर्स के लिए भी, शायद के लिए भी, कि क्या पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान दूसरे मरहले में जाएगा? अब देखिए पाकिस्तान इंडिया के साथ है, आयरलैंड के साथ है, अगले पाकिस्तान को एक अच्छा खेल पेश करना होगा। मैंने भी कल अपनी रात काली की, मैंने 10:30 बजे से मैं स्क्रीन के सामने बैठ गया था, टीवी ऑन करके बैठ गया था। ये जो दो मैचेस हमारे बारिश की नजर हुए और दो मैचेस इससे पहले एक मैच में हमें शिकस्त हुई थी, हमने कहा हमने उसका बदला लेना है, और हमने इस दफा बटलर को भी नहीं चलने देना जिसने पिछले मैच में हमारी अच्छी खासी धुलाई की थी, और इस बार तो हमारे फिनिशर्स ने हशर कर देना है टीम का, इंग्लैंड टीम का। मगर ये हो ना सका, और वो आता है ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। नहीं, हैट्स ऑफ टू आजम खान कि जिन्होंने ना माशाल्लाह से बैटिंग में परफॉर्म किया और ना ही माशाल्लाह कीपिंग उन्होंने अच्छी की, यानी कि सिंपल सिंपल जो कैच थे, जो कि एक रेगुलेशन कैचेस जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे भाई आजम खान ने छोड़े। लिविंगस्टन ने, यानी कि जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, उन्होंने डबल विकेट मेडन किया, क्रिटिसाइज कर करके थक चुका हूँ। और ये कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई अच्छी बैटिंग, लोअर मिडल ऑर्डर में हमारे पास कोई मैच फिनिशर्स या अच्छे हिटर्स नहीं है जो कि अपना किरदार अदा कर सके। तो हमारी तो मॉर्निंग बढ़ गई, हमारी तो रात बढ़ गई, हमारी तो दोपहर बढ़ गई। ये बेहया, ये बेशरम, ये जमीर फरोश, ये वतन फरोश, काश मेरे हाथ में होता, मैं इन सारों को जेल में तुन के इनके पिछवाड़ों में तेल वाले डंडे डलवा के इनकी वो हालत करवाता, इनकी नस्लें याद रखती। मोइन का बेटा ये नोटों से ये साफ हो रहा है, हमें अपना पिछवाड़ा साफ कर नोटों से। हमारे मुल्क की तकदीरों को साफ करने वालों, हमें गंदगी के ढेरों में डालने वालों, गलीज कीड़ो, तुम बचोगे नहीं, तुम नहीं बचोगे। कैच पकड़ रहा, नोट एटीट्यूड एरोगेंस देखे इसकी, बैबरिज्म किया, बैबरिज्म किया, पता उसको कि मेरा बाप मोइन खान है, ये आजम खान है, दुनिया क्रिकेट का, धरती का सबसे बड़ा बोझ, हाथी का अंडा, ये हाथी का अंडा जो धरती में बोझ है, इसने मरवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट की, चेहरे पे ऐसी कालक मल रहा है। लोग सही कह रहे हैं, अमेरिका की फिक्र करें, कनाडा की फिक्र करें, आयरलैंड और इंडिया की तो आपके बस की बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराएं, इनके मुंह पे कालक मले, इनके पिछवाड़ों में डंडे चढ़ाएं, इनको तेल वाले छितरों से मालिश कराएं।